तो भाई आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अलग होने वाली है, बहुत ही हट के टॉपिक पे होने वाली है, जिसे देख के आपको कसम से मजा आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी जो यादें हैं वो ताजा कर देंगी। देखो मैं कहता हूं ना कि भाई हम क्रिकेट जो इतने मजे के साथ देखते हैं, ये मजा असल में हमें किसी टीम की हार या जीत से बाद में आता है। पहले मजा हमें इस चीज से आता है कि ये जो टीम हमारी जीत रही है इसमें क्या हमारे फेवरेट प्लेयर्स खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। अभी देखो हाल ही में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को जब ODI सीरीज हराई, ठीक है खुशी हुई, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोगों ने शायद मैचेस को पूरा देखा भी नहीं होगा, कुछ क्रूशियल मोमेंट्स में देख देते होंगे, लेकिन पूरा का पूरा मैच शायद 1-2% लोग ही देख रहे होंगे। खैर आप अगर उन लोगों में से हैं जिन्होंने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में तीनों ODI मैच को पूरा का पूरा देखा था, 50-50 ओवर दोनों टीम के अगर देखे थे, तो भाई एक बार कमेंट बॉक्स जरूर बताना, क्योंकि मेरी तरफ से आपको शशत नमन है। मैंने तो देखा था क्योंकि थोड़ा सा मेरा देखो काम है देखना, लेकिन अगर आपने देखा था तो भाई आप सच में एक बहुत ही कट्टर क्रिकेट फैन है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप आखिर कौन हैं, और अगर आपने नहीं भी फॉलो किया था तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पर अब जहां बात आ गई है कि भाई हम प्लेयरों के लिए क्रिकेट देखते हैं, इसी बारे में आज का एक टॉपिक होने वाला है जो डायरेक्टली इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन भाई जो भी है मजा आएगा। देखो IPL को ना जाने कितने साल हो गए हैं, साल 2008 में पहली बार IPL खेली गई थी, और अब देखो साल 2024 का जो सीजन है वो बस कुछ ही महीनों में शुरू होने वाला है। इतने साल में ना जाने कितने प्लेयर्स IPL में आए, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, जी हाँ कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो IPL के पहले सीजन में भी थे और IPL 2024 में भी दिखेंगे। तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कि वो प्लेयर्स कौन से हैं। आप सुन के चौंक जाएंगे कि ऐसे लगभग 15 प्लेयर्स हैं जिन्होंने IPL 2008 भी खेला था और जो प्लेयर्स IPL 2024 में भी दिखेंगे। तो मैं लिस्ट को शुरू करता हूं, पर जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर आपके मन में कोई भी नाम आता रहे तो आप जाके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आखिर पता तो चले आप लोग यहां पे कितने प्लेयरों का नाम गेस कर पाते हैं। और जब मैं इन 15 नामों को खत्म कर दूं, आपके लिए एक और टास्क है, आपको यह भी बताना है कि इन सभी प्लेयरों में से वो कौन सा प्लेयर होगा जो सबसे आखिर में IPL से जाएगा। खैर लिस्ट को शुरू करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि भाई इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई मैच तो शुरू हो चुका है ना, तो भाई अब हम आखिर टीम वगैरह बना के क्या करेंगे, अब तो टीम बना ही नहीं सकते हैं। तो यार प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल पे फैंटेसी टीम के रिलेटेड तो इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, कौन रन मारेगा कौन विकेट लेगा, सारी डिटेल्स आती है, क्या स्कोर बनेगा, कौन टीम जीतेगी कौन टॉस जीतेगा, हर चीज का एनालिसिस वहां पे आता है सारे मैचेस के लिए, सिर्फ इंडिया साउथ अफ्रीका मैच के लिए नहीं, दिन में जितने भी मैचेस हो रहे हैं चारों ओवर वर्ल्ड में हर मैच का एनालिसिस, हर मैच के एक्यूरेट प्रेडिक्शन वहां पे आती है। तो भाई भले ही इंडिया साउथ अफ्रीका मैच शुरू हो गया है, लेकिन प्रेडिक्शन तो फिर भी कर सकते हो। अब मान लो जो भी बैटिंग कर रहा होगा आज के दिन, उसके बैटिंग का स्कोर प्रेडिक्ट करके तो आप पैसा कमा ही सकते हो। ऐसे बहुत से भाई तरीके होते हैं, लेकिन यहां पे आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं बता रहा हूं मैं कि भाई यहां जाके प्रेडिक्शन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। अगर करते हो तो भाई देखो तुमको प्रेडिक्शन से रिलेटेड एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल मिल जाती है, वहां से उठाने का, बाकी मैचेस की उठा के टीम वगैरह बना लेने का, जो मैच चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन उठा के मस्त प्रेडिक्शन करके पैसा कमाने का। बाकी भाई हम कमा रहे थे इसीलिए आपको बता रहे थे, आप समझदार हैं, आपकी जो मर्जी है वो करिएगा, हमारी समझदारी जो थी हमने वो समझदारी को रखते हुए आपको इन्फॉर्म कर दिया है, बाकी जो ठीक लगे वो करिए। खैर आपको तो जो करना है आप तो वही करेंगे, लेकिन फिलहाल हम करते हैं भैया वो काम जिसका प्रॉमिस हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में करा था, कि आपको बताएंगे ऐसे 15 प्लेयर्स जो IPL के पहले सीजन यानी 2008 के सीजन में भी थे और वही लोग 2024 के सीजन में भी दिखने वाले हैं। लिस्ट शुरू होती है नंबर 1 प्लेयर से, जो असल में भी नंबर 1 है, क्योंकि उनका नाम है थाला महेंद्र सिंह धोनी। धोनी देखो CSK से ही जुड़े हुए हैं, साल 2008 में भी CSK से खेलते थे और साल 2024 में भी CSK की ही कप्तानी करते हुए दिखेंगे। बीच में जब CSK बैन हो गई थी तब पुणे से भी दो सीजन खेले थे, लेकिन उनको हम CSK नहीं कहेंगे। अब बात आ गई है एक ही सीजन से हर साल खेलने की, तो भाई दूसरे नंबर प्लेयर आते हैं किंग विराट कोहली, जो पहले सीजन से लेके अब तक RCB के साथ ही जुड़े हुए हैं, और पूरी उम्मीद है कि जब तक वो IPL खेलेंगे
या फिर जब तक वो क्रिकेट खेलेंगे वो जुड़े तो आरसीबी से ही रहेंगे। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं विराट कोहली कभी किसी और फ्रेंचाइज से खेलें? अगर कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कौन कौन यहाँ पे एकदम कट्टर आरसीबी फैन है कि भाई हारे या जीते घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोहली भाई है ना, उनके लिए आरसीबी को सपोर्ट करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। जो भी ऐसा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलते हैं तीसरे प्लेयर की तरफ जो भैया था 2008 में भी और 2024 में भी दिखेगा, तो वो हैं फिलहाल करंट इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने आईपीएल सीजन जो शुरू किया था वो किया था डेक्कन चार्जर्स के साथ साल 2008 में, पर उसके बाद जब मुंबई में आए थोड़ा सा एज अ प्लेयर खेले, लेकिन उसके बाद जब कैप्टन बने तो भैया इतिहास रच दिया, इतिहास को बदल के रख दिया। लेकिन फिलहाल बदल तो गए हैं मुंबई वाले, उन्होंने जब कप्तान बना दिया हार्दिक पांड्या को। अभी खबर आई थी कि हार्दिक पांड्या शायद इंजरी के चलते आईपीएल मिस कर सकते हैं, लेकिन फिर से खबर आ गई थी कि ये सच नहीं है, हार्दिक पांड्या आईपीएल तक फिट हो जाएंगे और हम उनको मिस करते हुए देखना नहीं चाहते हैं। यार इतना भी नहीं गुस्सा है कि ये चाहे कि ये बंदा आईपीएल ही ना खेले, लेकिन रोहित भाई अगर कैप्टन रहते तो कसम से कुछ ज़्यादा ही खुशी मिलती। पर अच्छी बात यह है कि आईपीएल में तो दिखेंगे रोहित शर्मा। अब चलते हैं चौथे प्लेयर की तरफ, तो वो है नन अदर देन रविंद्र, जिन्होंने साल 2008 में शुरुआत करी थी राजस्थान रॉयल्स के साथ, उसके बाद बीच बीच में एक बार कोची टस्कर्स के लिए भी खेले थे, एक टीम आई थी कोची टस्कर्स करके, पता नहीं आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, जानते होंगे मेरे हिसाब से। तो जब भाई बीच में एक पुणे वॉरियर्स आई थी, गुजरात लायंस आई थी, कोच्ची आई थी, याद है कि ये टीमें नहीं याद हैं? अगर याद है ना भाई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पर फिलहाल जो जडेजा हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं सीएसके के, और मेरा मानना है कि जडेजा भी जब आईपीएल से जाएंगे ना तो आखिरी मैच अपना सीएसके के लिए ही खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि धोनी के बाद वो सीएसके के सबसे बड़े प्लेयर होंगे। और अब भी सबसे ज़्यादा पैसा सीएसके में जिसको मिलता है वो कोई और नहीं जडेजा हैं। चले अपने पांचवें प्लेयर की तरफ, तो वो है नन अदर देन ऐश खन्ना, यानी कि रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने आईपीएल की शुरुआत करी थी चेन्नई के साथ और एक लंबे वक्त तक चेन्नई के साथ जुड़े रहे, लेकिन फिलहाल वो किसके लिए खेल रहे हैं? नन अदर देन संजू सैमसन की टीम राजस्थान रॉयल्स के साथ। छठे नंबर पे आते हैं गब्बर शिखर धवन, जिन्होंने शुरुआत करी थी साल 2008 में दिल्ली डेयर डेविल्स के साथ, लेकिन फिलहाल साल 2024 में खेल रहे हैं पंजाब के लिए, सिर्फ खेल नहीं रहे हैं बल्कि उनके कप्तान भी हैं। सातवें नंबर पे जो प्लेयर हैं उनका नाम है पीयूष चावला, जिन्होंने शुरुआत करी थी अपने आईपीएल सफर की साल 2018 में पंजाब की टीम से, पर फिलहाल वो मुंबई इंडियंस के वन ऑफ द मेन स्पिनर नहीं बल्कि सबसे मेन स्पिनर हैं। एट्थ नंबर पे आते हैं वो प्लेयर जिनका बॉलिंग स्टाइल तो एकदम डिक्टो पीयूष चावला जैसा है, लेकिन उनका टशन जो है वो पीयूष चावला से बहुत ऊपर है। भाई मैं बात कर रहा हूं मिश्रा जी यानी अमित मिश्रा की, जिन्होंने साल 2008 में शुरुआत करी थी दिल्ली डेयर डेविल्स के साथ, पर फिलहाल जुड़े हुए हैं लखनऊ सुपर जायंट के साथ, और उनकी एज भी जो है भाई लगभग धोनी के बराबर 42-43 साल की हो चुकी है, पर बंदा अब भी खेल रहा है और बहुत ही अच्छे से खेल रहा है। आगे बढ़े तो नवे नंबर पे आते हैं बहुत लोगों के फेवरेट, जिनको इस ऑक्शन में बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे पिक करा गया, किनके द्वारा? केकेआर के द्वारा। मैं बात कर रहा हूं पांडे जी की यानी मनीष पांडे की, जिन्होंने साल 2008 में अपने सफर की शुरुआत करी थी मुंबई इंडियंस के साथ, और फिलहाल जैसा मैंने कहा केकेआर के साथ जुड़ चुके हैं वापस से। पिछले कुछ सीजनों से बेचारे अलग अलग टीम में भटक रहे थे, लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि फाइनली वो वापस से अपनी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज में लौट आए हैं, जिसका नाम है केकेआर। अब चले अपने 10वें नंबर के प्लेयर की तरफ, तो वो है अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने साल 2008 में शुरुआत करी थी अपने सफर की मुंबई इंडियंस के साथ, और फिलहाल खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर चेन्नई सुपर किंग के साथ। और भाई पिछले सीजन में कसम से क्या खेला, मजे करा दिए भाई, मतलब पहली बार रहाणे को आईपीएल में देखने का मजा आ रहा था। और बंदे ने जब शुरुआत करी थी ना आईपीएल की तो बहुत ताबड़तोड़ खेलता था भाई, खड़े खड़े 80-90 ऐसे मजाक में चौके छक्के मारता था कि लोग पगला जाते थे। पर उसके बाद सफर कुछ ऐसे आगे बढ़ा, लोगों ने कहा रहाणे तुमसे चौके छक्के नहीं पड़ते, तो रहाणे ने कहा
किया। अब देखो भाई, जब धोनी भाई के अंडर आए हैं, जब चेन्नई के लिए खेल रहे हैं, तुम्हें बताते हैं कि चौके छक्के आखिर मारे कैसे जाते हैं। 11वें नंबर पे आते हैं दिनेश कार्तिक, जिन्होंने साल 2008 में शुरुआत करी थी सफर की दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ, और फिलहाल खेल रहे हैं कोहली भाई के संग आरसीबी के साथ। और वैसे मुझे दिनेश कार्तिक को देख के लगता है कि उनकी फिटनेस तो बहुत अच्छी है, इसीलिए वो आराम से 3-4 साल तक खेल सकते हैं अगर उनका बल्ला चले, क्योंकि पिछले सीजन में बहुत ही बुरा हागे थे। उससे पिछले सीजन में भाई इतना ताबड़तोड़ खेल दिए थे कि T20 वर्ल्ड कप में लेके जाना पड़ गया था। भले T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कटवा दिया था, पर पिछले सीजन में भाई आरसीबी का भी कटवा दिया था। अगर साल 2024 में उनका बल्ला नहीं चला तो मुझे लगता है कि अगले सीजन में शायद वो किसी टीम में पिक भी ना हो, क्योंकि अगली बार होगा मेगा ऑक्शन, आरसीबी तो नहीं रखेगी। उसके बाद अगर फॉर्म में नहीं दिखेंगे तो आरसीबी क्या कोई भी टीम पिक नहीं करेगी। अब 12वें नंबर पे जो प्लेयर आते हैं उनका नाम है ऋषि धवन। हाँ, बहुत लोग ये नाम सुन के चौंक सकते हैं, लेकिन भाई क्या करें, ऋषि धवन भी उन चंद प्लेयरों में से हैं जिन्होंने साल 2008 में भी आईपीएल खेली थी पंजाब के लिए, और फिलहाल साल 2024 में भी वो पंजाब के लिए खेल रहे हैं। मतलब गजब की बात है। और ऐसा नहीं है कि ऋषि धवन पहले सीजन से ही लगातार पंजाब के लिए खेल रहे हैं, पंजाब ने इनका साथ कई बार छोड़ा है, लेकिन जब भी ये वापस आईपीएल में आते हैं तो भाई पता नहीं कैसे पंजाब में ही आते हैं। मतलब आसान भाषा में मैं ये कहना चाहता हूं कि ऋषि धवन ने अपने पूरे आईपीएल करियर में पंजाब के अलावा किसी भी और टीम से नहीं खेला है। अब 13वें नंबर पे जो प्लेयर आता है उसका नाम सुन के भाई आप सच में चौंक जाएंगे, क्योंकि उस प्लेयर का नाम है स्वप्निल सिंह। मैं जानता हूं आप में से 99.9% लोगों ने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा, पर भाई सच कह रहा हूं, इस प्लेयर ने साल 2008 में मुंबई के लिए खेला था और इस साल 2024 में ये आरसीबी की तरफ से आपको खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आरसीबी में इनका नाम शामिल है। पर भाई तुम्हें यहां पे एक चौंकाने वाली बात बताऊं कि जो प्लेयर साल 2008 की आईपीएल में भी था, जो प्लेयर साल 2024 की आईपीएल में भी है, उस प्लेयर ने असल में अपने पूरे आईपीएल करियर में मात्र 7 मैच खेले हैं। जी हां, इतने साल की आईपीएल में मात्र 7 मैच खेले हैं, और ऐसा कोई बहुत खराब काम भी नहीं किया है। अगर खराब काम किया होता तो साल 2024 में भी इसको आरसीबी क्यों पिक करती। पर भाई मात्र 7 मैच खेल के सारे सीजन में अपनी अवेलेबिलिटी देना, ये सच में एक बहुत बड़ा कारनामा है। मतलब जिस लिस्ट में रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, धोनी जैसे प्लेयर्स हैं जो लगातार हर सीजन को खेले हैं, पहले सीजन में भी थे, आखिरी सीजन या फिर कहें लेटेस्ट सीजन में भी हैं, वहां पे लिस्ट में अपने आप को शामिल करना ये अपने आप में सच में बहुत ही जबरदस्त बात है। अब सेकंड लास्ट नंबर पे जिस प्लेयर का नाम आता है वो है नन अदर देन ईशान शर्मा, जिनके बारे में आप जानते ही होंगे कि पहला सीजन इन्होंने खेला था शाहरुख खान की टीम केकेआर के लिए, और फिलहाल ये जुड़े हुए हैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ। और वहीं पे बात करें अगर अपने आखिरी प्लेयर की जिन्होंने साल 2008 में भी शिरकत करी थी, जो हमें साल 2024 में भी दिखने वाले हैं, तो वो हैं नन अदर देन रिद्धिमान साहा। इन्होंने भी साल 2008 में खेला था केकेआर के लिए, लेकिन फिलहाल ये जुड़े हुए हैं पिछले साल की रनर अप और पिछले से पिछले साल की चैंपियन गुजरात टाइटंस के साथ। अब देखो, मैंने सारे प्लेयरों के नाम तो तुमको बता दिए हैं, अब तुम लोग मुझे बताओ कि इन 15 के 15 प्लेयरों में से वो कौन सा एक नाम है जो आईपीएल से सबसे लास्ट में जाएगा और बस भाई यूं ही टीम में रहते रहते नहीं बल्कि बहुत ही इज्जत के साथ खेलते हुए जाएगा। जो भी नाम तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ एक और सवाल का जवाब देना कि इन 15 के 15 प्लेयरों में से आपको क्या लगता है वो कौन सा प्लेयर है जिसने आपके लिए आईपीएल देखने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही शानदार बना दिया इतने साल का। जो भी वीडियो देख रहा है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, वरना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके बस डीएम कर देना, क्योंकि भाई इतनी आसानी से पैसा कमाने का मौका मिलता नहीं है। बस भैया प्रेडिक्शन उठानी है, टीम वगैरह बनानी है, खुद का दिमाग लगा के बनाना है बना सकते हो, ये तो बस हेल्प करने के लिए बैठे हैं। हेल्प चाहिए होगी देख लेना, ले लेना, अगर यूज करनी होगी टीम करना, नहीं करनी होगी मत करना, अपना दिमाग लगाना होगा लगाना। मैं जानता हूं तुम टीम वगैरह बनाते होगे, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम सिर्फ उन मैचेस में टीम बनाते होगे जिनको तुम फॉलो करते हो, लेकिन यहां से आपको उन मैचेस का भी एनालिसिस मिल जाएगा जो आप शायद फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो बस भैया प्रेडिक्शंस उठाओ, टीम बनाओ, प्रेडिक्शन करो, पैसा कमाओ, हम कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं, बाकी आप समझदार हैं, जो ठीक लगे वो कर लीजिएगा। लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।